तारापुर और कुशेश्वर स्थान दो सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। राजद दावा कर रही है तो जदयू, जिनकी दो सीट रही है, दोनों सीट जदयू की रही है, उनके एमएलए के निधन के बाद खाली हो गई थी। जदयू भी कह रही है कि हम लोग भी दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर कहा है कि वो लोग ऐसी राजनीति करते हैं, विरासत में राजनीति मिली है। पहले सुनिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। आंदोलन लोग करते हैं, हमारा बिहार बेहतर प्रदर्शन किया है और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है ना। थैंक्स। उपचुनाव को लेकर सर डेट का ऐलान हो चुका है, राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू का क्या स्टैंड है क्योंकि आपकी दोनों सीट रही है? उपचुनाव में चुनाव ने घोषणा भी कर दिया है और 1 से 8 तक के नामांकन भी है। जल्द ही हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता जल्द ही जब तय करके हम लोग उम्मीदवार तय करके उम्मीदवार देंगे। ये हमारी जदयू का सीट है, दोनों जगह आपको मालूम है कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे दोनों जगह जो हमारे माननीय विधायक थे उन जिनका निर्धन हो गया, हम लोग जो है तुरंत जल्द उम्मीदवार तय करके देंगे और अच्छा आने वाला जो चुनाव है उसमें अच्छा जदयू का प्रदर्शन होगा और दोनों सीट हमारे झोला में होंगे। राजद तो कह रही है कि जनता नकार चुकी है, जेडीयू कैंडिडेट भी उतारेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? वो 15 वर्ष पहले ही जनता उनको नकार दिया है, वो अपने माता पिता के आकलन करे कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या था, बिहार किस परिस्थिति में थी, बिहार के हालात क्या था। आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है जनता को, तभी हम चौथी बार सत्ता में लौटे हैं और सत्ता पर काबिज है। वो दोनों सीट हमारा जीता हुआ है और आने वाला जो उपचुनाव जो चुनाव होना है उसमें भी हम ही चुनाव जीतेंगे, बेहतर प्रदर्शन होगा। कहा जाता है सिर्फ आप लोग उनके माता पिता का राग लाते हैं और आप लोगों के मुद्दा थोड़ी, उनको तो विरासत में मिला है। नहीं, उनको तेजस्वी प्रसाद यादव को तो विरासत में मिला है और जो ये चिराग हैं, चिराग तो खुद को अपनी झोपड़ी में आग लगा लिए, समझे। तो दोनों को विकास कैसे दिखाई देगा, समझे। साजिश आप लोगों ने रखी है, चिराग का आप नाम ले रहे हैं तो चिराग ये लगातार कहते आ रहे हैं सर साजिश तो दिल्ली में रची है घर तोड़ने। हम लोग क्यों तोड़ेंगे घर, वो तो खुद उनके चचा या भतीजा खुद। आपने सुना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग की सीट रही है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, जल्द ही उम्मीदवारों का चयन हम लोग करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे। लेकिन सवाल किया गया तेजस्वी यादव के दावे को लेकर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग विरासत की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान विरासत की राजनीति करते हैं। लगातार जो है चिराग पासवान को लेकर जेडीयू मुखर्जी से आवाज़ बनी हुई थी, लगातार चिराग पासवान और कहा जाए तो चिराग पासवान जदयू पर हमला बोलते रहे बीते विधानसभा चुनाव के वक्त से, पार्टी में टूट हुई, इसको लेकर भी उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम लोग क्यों चाहेंगे कि किसी का घर उजड़ जाए। उनकी दबंगई के कारण जो है, उनकी तानाशाही के कारण की जो है जो झोपड़ी है उसमें आग लगी है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, विरासत की राजनीति करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही हम लोग उम्मीदवारों का चयन कर आप सभी लोगों के सामने रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो आपने सुना जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को, देखते रहे लाइंस बिहार। नमस्कार।